नमस्कार, मैं अनीता राजवरिया, प्रवक्ता सीवीडीएम जीडब्ल्यूपीसी बीकानेर। टॉपिक है सेलर कॉलर। फर्स्ट ईयर डीएनजीसी सीडी 1-5 का टॉपिक है। सेलर कॉलर फ्लैट कॉलर का वेरिएशन है। सेलर कॉलर का यूज समुद्री सैनिकों की वर्दी में किया जाता है। समुद्री सैनिकों की वर्दी की ये पहचान भी है। ये फंक्शनल रूप में इन्हीं सैनिकों की वर्दी में यूज़ किया जाती है। डेकोरेटिव रूप में हम इनको चिल्ड्रन गारमेंट्स में देखते हैं, जैसे फ्रॉक और टॉप में इसका बहुत अधिक यूज़ किया जाता है। ये कॉलर बहुत सुंदर लगती है इन गारमेंट्स में। अब देखते हैं कि सेलर कॉलर के बारे में और क्या ज़रूरी बातें हैं। फ्रंट में जो इसका नेक शेप है वो वी नेक भी हो सकता है और यू शेप में भी हो सकती है। बैक में जो कॉलर शेप है, जैसा हमको दिखाई दे रहा है, ये इसको हम एक रेक्टेंगल या स्क्वायर के रूप में भी बना सकते हैं, यू शेप में भी बना सकते हैं, थोड़ा हल्का सा साइड के कर्व से भी बना सकते हैं। अभी जो हमको ये ड्राफ्ट दिखाई दे रहा है, ये कॉलर का ड्राफ्ट है। इस कॉलर में हम देख रहे हैं कि एक विड्थ दिखाई दे रही है हमें। ये जो विड्थ ली गई है वो बेसिक फार्मूला के अनुसार है, चेस्ट का 1/12 5 सेंटीमीटर, जो कि हम इस मेजरमेंट से देख रहे हैं। सेलर कॉलर को बनाने के लिए जो हमने मेजरमेंट्स लिए हैं इस तरह से हैं। एज जो डिसाइड की है वो 5-6 ईयर है। चेस्ट मेजरमेंट इसी के अकॉर्डिंग है, 61 सेंटीमीटर 24 इंचज। अक्रॉस बैक का मेजरमेंट है 25 सेंटीमीटर 10 इंचज। नेक मेजरमेंट है 28 सेंटीमीटर 11 इंचज। जो नेक मेजरमेंट है वो इसका हम इस तरह से जितना भी हमें इसको लूज चाहिए उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। लूज मतलब जितनी हमें ये लंबाई में चाहिए। सबसे पहले हम इस ड्राफ्ट को बनाने के लिए स्टेप फर्स्ट शुरू करेंगे। नेक विड्थ जो हमें दिखाई दे रही है कि 1/12 चेस्ट है। ये फ्रंट और बैक की दोनों की नेक विड्थ है। बैक नेक डेप्थ है 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह से हमने ये लाइन इस बैक नेक शेप के लिए ड्रॉ कर दी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, ये बैक नेक से नीचे जो कॉलर की हम विड्थ लेंगे, ये हमने 1/12 चेस्ट का मेजरमेंट है 5 सेंटीमीटर। ये हमारा बेसिक विड्थ है कि हम 5 सेंटीमीटर ले रहे हैं। इसको हम अपने चॉइस के हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं जितना हम चाहें। इसकी जो लेंथ यहाँ पर दिखाई दे रही है, लंबाई यहाँ से यहाँ तक की, इसको डिसाइड करते समय ये हमें ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा अक्रॉस बैक का मेजरमेंट है ये शोल्डर पॉइंट के अंदर ही रहे, उससे बाहर ना निकले। नहीं तो ये कॉलर का इफेक्ट अच्छा नहीं आता, लटकती हुई सी दिखाई देती है। इसलिए हमें शोल्डर पॉइंट तक ही इसकी लेंथ को मार्क करना चाहिए या बनाना चाहिए। ये हमारा बैक नेक की जो के अनुसार कॉलर का शेप डिसाइड हुई है। अब इसी के हिसाब से हम फ्रंट देखते हैं। यहाँ से भी हमने वही 1/12 चेस्ट, क्योंकि वेट तो ये सब जगह इसकी सेम ही आने वाली है, ये मेजरमेंट हो गया। अब इसकी जो लंबाई कहाँ तक ली जाए, अब ये वी नेक शेप में वी नेक जो हम शेप में इसको लगा रहे हैं, तो हमने अब पहले फ्रंट में वी नेक ड्रॉ किया। इसकी हमने जो लेंथ ली है वो 1/8 चेस्ट ली है, 7.6 सेंटीमीटर। और फिर हमने यहाँ 1/12 चेस्ट मतलब 5 सेंटीमीटर की विड्थ
जो जल हम यहाँ से यहाँ तक इसको जो बना रहे थे जिस वेट में, वहाँ से हमने इक्वल इसको ले लिया है। अब इस तरह से हमारा ये ड्राफ्ट तैयार हो गया है। जब इस कॉलर को हम क्या पैटर्न तैयार होगा तो हमें कुछ इस तरह से देखिए दिखाई देगा। इस ये जो कॉलर का जो पैटर्न तैयार किया है, अब इसको हम टू पीस में फैब्रिक पे कट करेंगे, इसकी सीम अलाउंस ड्रॉ करेंगे साइड के सब तरफ से। जब इसको बनाया जाएगा, ये दो तरह से बनती है, अटैचेबल नेक से अटैच करके भी हम इसको गारमेंट पर लगा सकते हैं, और ये डेकोरेटिव वे में डिटैचेबल, मतलब इसको अलग से सेपरेटली बनाया जाता है, और जब हम गारमेंट पहनते हैं तो उसमें डेकोरेटिव यूज़ के लिए हम इसको अलग से तैयार करके उस पर कॉर्ड के माध्यम से या बटन्स के माध्यम से इसको हम आराम से इस तरह से फ्रंट में लेके तैयार जब होती है तो हम इसको लगा लेते हैं बो का यूज़ करते हुए, और इस तरह से हम इसको अपने अलग से भी गारमेंट में इसका यूज़ कर सकते हैं, और नेक से भी ज्वाइन करके हम इसको परमानेंटली गारमेंट में लगा सकते हैं। अब इस तरह से हमारे कट दो पीस कट होंगे फैब्रिक पे सीम अलाउंस के साथ। इसमें एक सॉफ्ट पेपर फ्यूजिंग बुकरम की लेयर डाली जाएगी, इस पर चिपकाया जाएगा, और फिर इस पर इस दूसरा सेकंड पीस रख के इसको इसकी सीम लगा ली जाएगी चारों तरफ से। नेक की खुला रहेगा इसका, हम इसको गारमेंट से ज्वाइन करेंगे, और ये पोर्शन भी हम नेक के अकॉर्डिंग नेक से ही ज्वाइन करेंगे। इसको जो कॉलर को हम लगाते हैं तो दो तरीके से हम उस पर लगा सकते हैं गारमेंट में। नेक से साथ में लेते हुए हमारे जो फ्रंट पार्ट का जो नेक है उससे ज्वाइन करते हुए लगाते हैं। फर्स्ट लेयर को सिलेंगे और उसके ऊपर नीचे डाल के हम नीचे की तरफ उसको सेकंड लेयर को फिनिश कर देंगे। यदि बहुत ही आसान तरीके से करना है तो हम इसमें बायस स्ट्रिप की मदद से भी फ्लैट कॉलर को लगाते हैं, जैसे पीटर पैन को इन कॉलर को जब हम बायस स्ट्रिप से लगाते हैं, इसी तरह से हम इस कॉलर को भी नेक पर स्ट्रिप के ज्वाइन करते हुए आराम से फिनिश कर सकते हैं। इस कॉलर को हम इसकी जो विड्थ है और जो शेप दिखाई देती है इस तरह से दिखाई दे रही है, उसको हम अपनी तरीके से बहुत चेंज कर सकते हैं। इस तरह से देखिए ये कॉलर केवल एक इक्वल चौड़ाई में दिखाई दे रही थी, अब हमने इसको शोल्डर पॉइंट तक बनाया थोड़ा बड़ा करके। ये हमारा जो बेसिक ब्लॉक हमने जो बॉडी का बना रखा है उसके हिसाब से देखिए, हमने पूरी इसको शोल्डर मेजरमेंट पॉइंट तक इसको यहाँ इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक पूरा कवर करके बनाया। इस कॉलर को हमने जैसे अभी बी शेप में देखा तो हम इसको राउंड शेप में भी आराम से बना सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। जब इसके डेकोरेशन की बात आती है तो हम इसको कुछ इस तरह से कॉलर को तैयार कर सकते हैं, या कोई लेस का या कोई एम्ब्रॉयडरी का इस तरह से वर्क करके, कोई रिबन्स वगैरह का यूज करके हम इस कॉलर को आराम से तैयार कर सकते हैं। कॉलर जब बन के तैयार होती है तो नेक पे कुछ इस तरह से दिखाई देगी हमें, हम जो भी वर्क करेंगे वो जिस तरह से भी करेंगे। यहाँ एक पट्टी लगाई, यहाँ भी आप चाहें तो लगा सकते हैं, कोई डिज़ाइन कर सकते हैं। ये कंटिन्यू डिज़ाइन को आप आगे ले जाएंगे, और ये बैक नेक पे भी, बैक जो नेक से जो कॉलर पीछे की तरफ जाएगी उसमें भी हम इसको आराम से जो भी हम डिज़ाइन करना चाहते हैं इसको हम स्टिचिंग के माध्यम से इसको हम तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हम पूरा जहाँ इसकी शेप की बात आती है, इसकी लेंथ को हम और अधिक बढ़ा सकते हैं, इसकी शेप से कॉर्नर्स को और अपने मनचाहे तरीके से बना सकते हैं। इस तरह से कॉलर हमको ये बन के बहुत सुंदर दिखाई देती है गारमेंट में, चिल्ड्रन गारमेंट्स में इसका इफेक्ट बहुत ही सुंदर लगता है। इसको जब बनाते समय थोड़ा सा फिनिशिंग की सावधानी रखनी चाहिए, हमें थोड़ा सा मन से कार्य करना चाहिए ताकि इसकी फिनिशिंग जब हम इतनी इस पर
समय और मेहनत लगा रहे हैं वो हमारे अच्छा इफेक्ट के रूप में दिखाई दे। इसको हम जब डिटैचेबल बनाते हैं तो यह हुक और आई का यूज करके हम इसको सेपरेटली गारमेंट पे टक कर सकते हैं, कॉर्ड से बांध सकते हैं, कोई बो वगैरह लगा के भी हम अपने इसको टक कर सकते हैं अपने गारमेंट पे। इसकी जो एजेज हैं वो पाइपिंग से फिनिश किए जा सकते हैं। कॉलर की विड्थ हमने देखा कि अपने मनचाहे तरीके से हम इसको बना सकते हैं। आपने देखा कि सेलर कॉलर को हम किस तरह से ड्राफ्ट और पैटर्न तैयार कर सकते हैं और गारमेंट में इसका इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आशा है कि जानकारी आपको अच्छी लगेगी। धन्यवाद।